जन शिक्षा केंद्र खरगोन के अंतर्गत संकुल बरूड़ के क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों के हाल इतने बेहाल है कि यहाँ के शिक्षक विद्यालयों से नदारद हैं। वहीं बच्चों के माध्यान्ह भोजन की फर्जी तरीके से गणना भी शत प्रतिशत हो रही है। जहां शासन प्रशासन द्वारा थम एप्स लागू करने के बाद भी बगैर छुट्टी अवकाश पत्र प्रभारियों से अनुमोदित नहीं करवाने के बाद भी छुट्टी मना लेते हैं और दूसरे दिन हस्ताक्षर कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बरूड संकुल के अंतर्गत EGS लाल बेली का आया है, जहां शिक्षक हाजिरी रजिस्टर में छुट्टी की एप्लीकेशन रख कर जाने के बाद भी संबंधित जन शिक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञात रहे मौके पर जन शिक्षक शैलेश वर्मा एवं संकुल प्रभारी सुनीता सोनी द्वारा संबंधित शिक्षक महेंद्र खांडे का पंचनामा तो जरूर बनाया, परंतु कार्यवाही के नाम पर नतीजा जीरो निकला। इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी आर के कुशवा को भी अवगत कराया, परंतु अधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही न करना, जिससे मामला साठ घाट का नजर आ रहा है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये टांडा बरूड संकुल में लगने वाली स्कूल लाल बेड़ी में प्रधान लाल बेड़ी स्कूल के प्रधान पाठक बिना स्वीकृति के छुट्टी पर चले गए। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना? सर, ये आज ही जन शिक्षक ने वहाँ का पंचनामा बना के दिया है और आज हम उसको स्पष्टीकरण जारी करेंगे कि वो बिना स्वीकृति कराए क्यों छुट्टी पर गए हैं और उनके साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये हम पंचनामा तो बाद में बनाया सर, हमने संकुल प्रभारी और सर जन शिक्षक को बहुत पहले अवगत किया था और पंचनामा आठ दिन बाद बना गया इसका। अरे, पंचनामा तो आज ही आया है उनका, तो इसलिए जब आज आया है तो हम इस पर कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई होगी सर इस पर? अभी स्पष्टीकरण पूछेंगे उनसे कि क्यों आपने स्वीकृत नहीं कराई है अवकाश और आप बिना अवकाश स्वीकृत कराए कैसे छुट्टी पर गए हैं, और फिर उनके बाद विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या नाम लिख दो सर आप? आर के सिंह कुशवाहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।